हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर ग्रामर बुक. द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द प्रोनाउन. ओके, तो हियर एज वी हैव ऑलरेडी रीड इन आवर प्रीवियस क्लास, जैसे कि हम अपने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है, टू रिवाइज द सेम लुक एट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. इस एग्जाम मतलब प्रोनाउन को समझने के लिए क्या आप नीचे दिए गए पैराग्राफ को देखो. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ. सुबोध इज़ माई फ्रेंड. सुबोध लव्स टू प्ले क्रिकेट. सुबोध इज़ गुड एट स्टडीज. सुबोध इज़ काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. सुबोध रेस्पेक्ट सुबोध्स टीचर्स एंड टीचर्स ऑल्सो लव सुबोध. तो ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि कैसे हम हर बार सुबोध 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 यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो सुबोध क्या है? सुबोध इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, मीन्स इट इज़ अ नाउन. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउन के प्लेस पे जो हम यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स को, वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यही करना है. नाउ टू मेक इट साउंड एंड रीड बेटर, रिप्लेस सुबोध विथ प्रोनाउंस ही हिम और हिज. तो यहाँ हमें क्या करना है क्लास, डू इट विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर. हमें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपने पार्टनर्स के साथ मिलके सुबोध मीन्स जो कि एक नाउन है, उसकी जगह पे क्या, प्रोनाउन ही हिम और हिज यूज़ करना है. तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोनाउंस. सुबोध इज़ माई फ्रेंड. ओके, फर्स्ट टाइम हम वहाँ पर नाउन यूज़ करेंगे, मीन्स सुबोध का नेम लेंगे. ठीक है, उसके बाद सुबोध इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पर सुबोध की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट. He is good at studies. So he is kind and helpful to others. He respects. यहाँ पे सुबोध फिर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, his teachers and teachers also love him. तो यहाँ पे सुनने में क्या लगा, बहुत balanced way में एकदम इसका pronunciation हो सका. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम start करेंगे kinds of pronouns. तो pronouns are of 7 kinds. ओके, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड इनडिफिनिट प्रोनाउंस. ओके, इन दिस क्लास वी शैल लर्न अबाउट द फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. यहाँ पे हमें सिर्फ कौन कौन से काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ओके, जस्ट टू रिमाइंड यू, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. क्या है प्रोनाउन, क्या है, जिसे एक ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ओके, नाउ पर्सनल प्रोनाउंस, द 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. देखो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है. जैसे कि हम कभी भी क्या हो सकता है, जब भी कोई बातें कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक तो बोलने वाला होगा, एक वो होगा जिससे वो बात, जो बोलने वाला है वो जिससे बात कर रहा है वो होगा, और एक क्या होगा, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता है, जो बात कर रहा है, द पर्सन इज स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है. उसमें कौन कौन आ सकते हैं, आई मी माइन वी आर अस. सेकेंड पर्सन में द पर्सन स्पोकन टू, तो यहाँ पर जिन पर्सन से बात किया जाता है उससे, उसमें हमेशा कौन होता है, यू ही होता है, तुम ही होते हैं. तो यू योर योर्स. एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, मीन्स जिन पर्सन और या फिर जिन चीज़ों के बारे में बातें की जा रही हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं. उसमें कौन कौन हो जाते हैं, ही सी इट हिम हर हिज हर्स दे देम देयर्स. ओके, यहाँ पे हम इन सबको किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जिस प्लेस पे जो सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. ओके, नाउ यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, देखो किसी भी प्रोनाउंस को या फिर किसी भी वर्ड को, जैसे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उन्हें हम किसके किसके प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स. ओके, तो यहाँ देखो, आई एन्जॉयड द गेम. यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, अभी हमने आगे पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन में कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई मी माई वी आर अस. ओके, यू योर योर्स, ही सी इट दे देम देयर हर्स, यही सब. ठीक है, तो यहाँ देखो, आई एन्जॉयड द गेम. आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आई किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या है कि देखो, यू आर गेटिंग लेट, यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है, और वो किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है,
मीन्स सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पे. सी कैन डू इट. सी किसके प्लेस पे यूज हुआ है? सब्जेक्ट की प्लेस पे. दे ट्राइड हार्ड. इट रन्स फास्ट. ओके, अब यहाँ देखो, सी प्रेजेंटेड मी अ डॉल. यहाँ पे सी क्या है? सब्जेक्ट है. प्रेजेंटेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे किसके प्लेस पे यूज कर रहे हैं हम प्रोनाउन को? पर्सनल प्रोनाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, दे लिफ्टेड इट फ्रॉम द ग्राउंड. इट दे क्या है? सब्जेक्ट है. लिफ्टेड उठाना मीन्स क्या है? वर्ब है. इट प्रोनाउन है. किसके प्लेस पे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट. तो यूज एज एन ऑब्जेक्ट. माई मदर अलाउड मी टू प्ले. मेरी मदर ने मुझे खेलने के लिए अलाउ किया. द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम. द डॉक्टर सब्जेक्ट, एग्जामिन्ड वर्ब एंड हिम ऑब्जेक्ट. ओके, इट इज ना, इट इज माई बैग. तो यहाँ पे क्या है? देखो, पर्सनल प्रोनाउंस यूज एज एन पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव क्या होता है ना? पॉजिटिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी की बिलोंगिंग दिखाता है, कि मीन्स कोई चीज़ किससे जुड़ी हुई है. ठीक है, कोई चीज़ या कोई सामान, कोई चीज़ या कोई पर्सन जो भी है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है. ओके, तो इट इज़ माई बैग. और क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन की को मॉडिफाई करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ माई बैग. तो बैग नाउन है, थिंग है कोई, तो नाउन है. और नाउन को बता रहा है कि किसका है वो नाउन, तो मेरा बैग है. तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा बता रहा है ना, पॉजिटिवनेस उसका बता रहा है कि वो किस ये बैग किससे जुड़ा हुआ है? मुझसे जुड़ा हुआ है. इट इज़ योर बैग. ये बैग किसका है? तुम्हारा है. दीज आर आवर बैग्स. और ये सारे बैग मिला के या फिर ये दोनों बैग मिला के किसके हैं? हमारे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माई योर आवर. ये किसके प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं हम? एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर रहे हैं. दिस बैग इज़ माइन. ये बैग मेरा है. यहाँ पे भी इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पे भी इसका मतलब यही हुआ. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसे दूसरे तरीके से, यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव के तरीके से लिख रहे हैं, एडजेक्टिव बना के लिख रहे हैं. और यहाँ पे हम इसे प्रोनाउन बना के लिख रहे हैं. ठीक है, तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन यूज एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन. यहाँ पे हम इसे प्रोनाउन बना के लिख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने इसके बाद नाउन लगा दिया, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम किया. ठीक है, यहाँ पे हमने इसके बाद नाउन नहीं लगाया, हमने इसका वर्ड ही चेंज कर दिया. दिस बैग इज़ माइन, दिस बैग इज़ योर्स, एंड दीज बैग्स आर आवर्स. इसका भी मीन्स सेम है, इसका भी मीन्स सेम है, बस यूज़ करने के तरीके डिफरेंट है. नोट, द वर्ड हिज इज़ यूज बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन. एज जो वर्ड है, ही जो होता है, सॉरी हिज होता है जो, उसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करते हैं. दिस इज़ हिज बुक. ये बुक उसकी है, या फिर दिस बुक इज़ हिज. ये बुक उसकी है. दोनों का मीन्स सेम निकलेगा, लेकिन दोनों को हम प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. वो प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पे है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? फॉर्मेशन देखो, प्रोनाउंस फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. मीन्स वो प्रोनाउंस जिनमें मीन्स वो पर्सनल प्रोनाउंस जिनमें हम सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं. वो क्या करते हैं कि जो पहले हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसकी देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स और प्रीपोजिशंस. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारे वर्ब होते हैं उसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. जैसे सी हर्ट हरसेल्फ, कि मीन्स उसे चोट लगी. किसकी वजह से? वो उसी की वजह से उसे चोट लगी. ठीक है, दे हेल्प्ड देमसेल्व्स. उन्होंने मदद की. किसकी की? खुद की मदद की. ठीक है, वो जो हमारा पहले वाला प्रोनाउन होता है उसकी कंडीशन को बताता है, या फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है कि वो पहले जो काम हो रहा है, जो भी हमारा वर्ब है, कि वो किसकी वजह से हो रहा है या फिर किससे रिलेटेड है. ठीक है, देखो, सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. ठीक है, प्लूरल में अगर इसे बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे? सेल्फ्स हो जाता है. आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. ठीक है, अब देखो, ये हो गया सी हर्ट
हरसेल्फ, उसने वो चोटिल हुई, वो घायल हुई कैसे, खुद से ही, मीन्स उसने खुद ही कुछ ऐसा किया होगा या फिर उसे चोट लग गई होगी जैसे वो खुद से घायल हो गई। दे हेल्प देमसेल्व्स, उन्होंने खुद खुद की मदद की। आई टोल्ड हर अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, मैंने उसे थोड़ा बहुत अपने बारे में, मैंने खुद ही थोड़ा बहुत उसे अपने बारे में बताया। ओके सो क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।